कहाँ से आई हैं आप, बताएंगे क्या? भरतपुर। अच्छा आंटी, आप आज ही आई थी या एक दो दिन हो गया? अभी अभी आए। अच्छा अभी अभी आए हैं, तो कोई मंदिर घूम के आए हैं या सीधे अभी आके रुकी हैं? यहीं पर रुके हैं। रुके हैं। अच्छा रुके हैं। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आई हैं आप? आप नहीं बताना चाहती इनको, मतलब भगवान से इंटरेस्ट नहीं है ऐसा लग रहा है इनको, ये खाली यहाँ खाने पीने के लिए एंजॉय कर रही हैं। यहाँ की खास बात ये है, हर जगह मंदिर है, हर जगह वृंदावन इतना अच्छा नगर है, बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कहीं और नहीं जाए, कहीं मतलब शादी के बाद जो भी फैमिली आना चाहे वो यहीं आए। यहीं आए, मतलब आपका कहना है कि आपकी अगर शादी भी हो तो वृंदावन में हो जाए। गुड्डी अग्रवाल, हम रीवा से आए हैं। रीवा मध्य प्रदेश से? अरे बड़े दूर से आए। कब आए थे आप? हम आए कल आए हैं। कल आए हैं। अच्छा आप कल से आके यहाँ क्या क्या आपने मंदिर देखे हैं? हमने मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर था। बहुत अच्छा मंदिर है ये। आप कीर्तन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है, आनंद है, क्योंकि ये मौका मिला है, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। राधे राधे राधे। देखने में तो मतलब बहुत खुशी होती है देख कर की, लाइक भगवान के दर्शन मिलते हैं, शांति मिलती है मन को, तो बहुत अच्छा रिलैक्स्ड फील होता है। बहुत ज्यादा रिलैक्स फील। दिल्ली की इतनी ट्रैफिक लाइफ से यहाँ आके आपको कैसा लगता है कि दिल्ली से यहीं शिफ्ट हो जाए? हाँ, भगवान को देखकर तो लगता है यहीं बस जाए, जैसे जाए ना उधर। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा HBN न्यूज से, और आज हम हैं अपने भारत की सबसे प्रसिद्ध और कहते ना मनमोहक जगह पे, जिसको कहते हैं वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की अपनी मतलब लीलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध थी। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके बारे में वर्णन करना मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति के लिए काफ़ी दुर्लभ होगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी इस चीज़ को नहीं बता पाए तो मैं आपको क्या बता पाऊँगा। लेकिन यहाँ जो हमारे देशों मतलब जो देश है और बाहरी देशों से भी जो लोग आते हैं, उनको यहाँ आने में कैसा लगता है, उनकी यहाँ क्या इच्छा होती है, और यहाँ का उनको इन्वायरमेंट कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा जानते हैं। उनको मतलब किस तरह से यहाँ इंटरेस्ट आता है, उनकी जो भक्ति है वो किस तरह से प्रदर्शित होती है, ये सारी चीज़ें हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो लोग यहाँ ढूंढने आते हैं, उन्हें उसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी जो समस्याएं लेके आते हैं, खुशी में आते हैं, दुख होता है, अपनी जीवन की जो पूंजी है वो तो वो करते ही करते हैं, खाने पीने के लिए सभी करते हैं, लेकिन भक्ति जो होती है वो इंसान का एक कहते ना आत्मीय जो विश्वास बढ़ाने के लिए, अपना कहते ना जीवन सुधारने के लिए होती है। इन्हीं सभी विषयों पर यहाँ की जो हमारे दर्शक हैं, जो यहाँ आते हैं पर्यटक, उनसे जानते हैं। और यहाँ पे इस तरह ये जो मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, हम यहाँ वृंदावन में हैं। ये इसका जो टाइमिंग है, शाम को 4 बजे खुलता है। बाकी अधिक संख्या में यहाँ हमारे जो दर्शक आते हैं, यहाँ कुछ और भी हमारे भाई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ कहाँ से आई हैं आप, बताएंगे क्या? भरतपुर। भरतपुर। अच्छा आंटी, आप आज ही आई थी या एक दो दिन हो गया? नहीं, अभी अभी आए। अच्छा अभी अभी आए हैं, तो कोई मंदिर घूम के आए हैं या सीधे अभी आके रुकी हैं? यहीं पर रुके हैं। रुके हैं अभी। अच्छा रुके हैं, चलो आप खाने में बिजी हैं, आप खाना इनको खाइए, आगे और लोगों से पूछते हैं भैया को कैसा लग रहा है। भैया नमस्कार, आप यहाँ कब से हैं भैया? 7 साल। 7 साल। भैया आपको यहाँ का मतलब किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती? मजा आ रहा है? भगवान की भक्ति वगैरह करते हो? क्या नाम है आपका? अजयराज। अजयराज। अच्छा कभी को मतलब इस तरह की कोई परेशानी सामने आई है कि आप यहाँ 7 साल से रह रहे हैं कि हम यहाँ काम करते हैं और हमें यहाँ काम करने में दिक्कत आ रही है, या प्रशासन या नगर निगम इस तरह से आपको कोई परेशानी? हमारे कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं, बाकी परेशानी नहीं होती, बाकी भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आई हैं आप? आप नहीं बताना चाहती इनको, मतलब भगवान से इंटरेस्ट नहीं है ऐसा लग रहा है इनको, ये खाली यहाँ खाने पीने के लिए एंजॉय कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दीपांजलि। कहाँ से आई हैं आंटी जी? हम तो कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। हाँ। मतलब कितने दिन हो गए आपको? कहाँ, यहाँ वृंदावन में? हाँ। कल शाम को आए हैं, आज पहला दिन है। अच्छा, पहला दिन है, तो कल शाम से आके यहाँ मतलब आप किन किन मंदिरों पर घूम लिए? हम कल शाम को तो कहीं नहीं गए भैया, आज बाके बिहारी गए, राधा रमन गए, और निधिवन गए, और वो साक्षी को वो एक बगल में और मंदिर था वहाँ गए। वहाँ गए। अच्छा आप जी जी, आपको यहाँ आके मतलब किस तरह की अनुभूति हो रही है, मतलब किस तरह का आपको लग रहा है? भक्ति में वातावरण है और क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आप घर पे, घर की चिंता आपको यहाँ सता रही हो? नहीं नहीं, घर की चिंता नहीं सता रही है। मतलब आप एक तरह से फ्री माइंड है, आपको मतलब घर की टेंशन नहीं हो रही है? धन्यवाद आंटी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है आपका जी? कहाँ से आई हैं आप?
जहांगीराबाद बुलंदशहर। बुलंदशहर से आई हैं, तो आप मतलब आज ही आई हैं या एक दो दिन हो गया यहाँ? जी नहीं, आज ही आए सुबह। आज ही आए हैं, तो कौन कौन से मंदिर घूम लिए जी? अभी हमने सिर्फ बांके बिहारे का मंदिर की दर्शन करे हैं, अभी ये दूसरा मंदिर है, अभी यहाँ के पट लग चुके हैं, बाद में दर्शन बाद में खुलेंगे। अच्छा, यहाँ आपके आपको मतलब कैसा लग रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की मतलब कोई ऐसी खास बात जो आप हमारे चैनल को बताना चाहें? यहाँ की खास बात ये है, हर जगह मंदिर है, हर जगह वृंदावन इतना अच्छा नगर है, बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कहीं और नहीं जाए, कहीं मतलब शादी के बाद जो भी फैमिली आना चाहे वो यहीं आए। यहीं आए, मतलब आपका कहना है कि आपकी अगर शादी भी हो तो वृंदावन में हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहन जी ने ये बहुत अच्छी बात कही। कुछ और हमारे भक्तगण हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है। देखो, मार्केट में भी यहाँ पे खरीदारी करते हैं और यहाँ का जो सामान है एक तरह से भक्तिमय भरा हुआ है, उसमें मतलब हर जगह आनंद ही आनंद है। यहाँ हमारे कुछ भाई बंधु हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ किस तरह लग रहा है। भैया नमस्कार, भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, कुलदीप जी कहाँ से आए हैं आप? मुरसान से। मुरसान से आए हैं, और अच्छा आप मतलब यहाँ आते रहते हैं या आज स्पेशली आए हैं? आते रहते हैं हम तो। आते रहते हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगता है? और सुकून मिलता है आत्मा को। सुकून मिलता है, मतलब यहाँ की कोई और खास बात हमें जो बता दें आप? यहाँ तो सब खास बात ही है सब। कोई ऐसी बता दें जो हम हो सकता है हमें ना पता हो? जब मन को घबराहट होती है जब आते बंदा, जब आत्मा को शांति मिलती है हमारी यहाँ पे। अच्छा, मतलब इंसान जब परेशान होता है उसकी शांति करके ये यहाँ आता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद भैया कहाँ से हो आप? मथुरा से हैं। मथुरा से, बताइए क्या मतलब आप क्या स्पेशल बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? ये मथुरा में आइए, छठी ग्राम में वैष्णो देवी मंदिर में, और हमारे गोलगप्पे खाइए, बढ़िया है, एक नंबर है। तो भैया देखिए, ये वैष्णो देवी माता के मंदिर के सामने भैया की ठेली है, यहाँ आइए, यहाँ पड़ा के खाइए। हमारे और भी खाइए। देखिए हमारे ये भक्तगण हैं और भी यहाँ बैठे हैं, इन सभी से जानते हैं यहाँ आके इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार, आपको हिंदी नहीं आती है? आपको आती है हिंदी? अच्छा, यहाँ जाए, चलो वहाँ आते हैं। देखिए ये हमारी आंटी जी ने हमको बुलाया है, और जानते हैं इनका मतलब ये कहाँ से आए हैं, इनको यहाँ के कैसा लग रहा है, बाकी जो यहाँ की व्यवस्था है इसके बारे में ये क्या कहना चाहती हैं। अम्मा नमस्ते, क्या नाम है आपका? गुड्डी अग्रवाल, हम रीवा से आए हैं। रीवा मध्य प्रदेश से? अरे बड़े दूर से आए, कब आए थे आप? हम आए कल, आए हैं कल। आए हैं, अच्छा आप कल से आके यहाँ क्या क्या आपने मंदिर देखे हैं? हमने मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर था। बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छा, जैसे आपको यहाँ आके मन को कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा जी। घर की याद तो नहीं आ रही है? अब घर तो रोज का है, अब ये भगवान थोड़ी रोज मिलेंगे। क्यों, भगवान तो रोज मिल सकते हैं, अगर आप उनको मन से याद करो तो वो मिलेंगे। वो तो है, पर मंदिर तो रोज नहीं आ पाएंगे कि आप आएंगे, बताइए। बड़ी खुशी हुई है हमें। अच्छा, और आपका यहाँ अनुभव कैसा रहा वो आप बताएंगी? मतलब आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? हम बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, और क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, आप भैया वृंदावन है जी, अब कृष्ण भगवान का वो जन्म भूमि है तो अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा, आप ये अच्छा, आपकी ये इच्छा नहीं होती कि हम रीवा से छोड़ के अगर वृंदावन में बस जाएं तो कैसा रहे? अच्छा है, बहुत अच्छा हमको लगा, मेरे को लग रहा कि मैं यहीं रह जाऊं। अच्छा, प्रेम मंदिर आपने पहले कभी देखा है या पहली बार आए? पहली बार आए हैं, पहली बार आए। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है जी, मैं सीवान बिहार से हूँ। बिहार से हैं, और मैं पहली बार वृंदावन में और मथुरा में आया हूँ जी, और मुझे मंदिरों के सीन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक मैं जमुना घाट का भी दर्शन किया हूँ, और श्री कृष्ण जन्मस्थली का भी दर्शन किया हूँ, बाकी बिहारी का भी किया हूँ जी, और यहाँ प्रेम मंदिर में भी आया हूँ जी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आशा करते हैं कि मेरे साथ सारे जितने लोग आए हैं उनको सबको अच्छा लगता होगा, सबको अच्छा लगता होगा जी। और इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद भैया, ये हमारे वर्मा जी थे, इनको भी काफी अच्छा लगा। देखो और भी भक्तगण हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं। भैया नमस्कार, भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए, काफी आप मतलब बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने ये जो टैटू करा रखे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। भैया क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार भैया कहाँ से आए हैं? लोनी से। लोनी, दिल्ली से? दिल्ली लोनी से। भैया आपको मतलब अभी आज सुबह ही आए थे या कल से आए हुए हैं? कल शाम आए थे हम। कल शाम आए थे। तो कहाँ कहाँ घूम लिए आप? कहाँ के वृंदावन बरसाने गए थे, और वृंदावन बरसाने यहाँ से यहाँ आगे जन्मभूमि गए थे किशन जी। तो जो हमारा ब्रज क्षेत्र है इसमें आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? अच्छा क्या, वहाँ से सब अच्छे अच्छे लगता आ रहा, कोई बुरा लगा ही ना यहाँ से यहाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हमारा ब्रज क्षेत्र है यहाँ के कण कण में और भगवान बसे हैं, और यहाँ कहीं भी चले जाओ वहीं अच्छा है भैया? हाँ जी सब अच्छा जी। अच्छा आप बताएंगे बहन जी, आपका क्या नाम है?
आरती। आरती, अच्छा आप पहले आ चुकी हैं या पहली बार आई हैं? पहली बार आई। पहली है, अच्छा आप अपना अनुभव शेयर करिए। अच्छा लग रहा है कि मन को शांति मिल रही है। मन को शांति मिल रही है, मतलब जो समस्याएं होती हैं, जो घबराहट होती है, लोगों को लगता है कि हम इस परेशानी में हैं, वो सब परेशानी खत्म हो जाती है। हाँ अभी तो फिलहाल मतलब अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं। हाँ। अच्छा लगा। चलो और लोगों से जानते हैं और पानी का है, बाथरूम लेटरिन का बहुत कमी है यहाँ, मतलब अच्छा आपका कहना है कि जो नगर निगम की भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ उचित नहीं है, नहीं है मतलब बाथरूम का, अब बताइए लेडीज लोग कहाँ जाएं बताइए। जी बिल्कुल, इस बात को हम जरूर नगर निगम के लिए भी नहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ बताइए। अब पानी लोग पैसा लेते हैं पानी, अब बाथरूम जाए तो पैसा लगता है, यहाँ ये दो चीज के बहुत परेशानी। बिल्कुल, इस समस्या को जरूर नगर निगम तक पहुँचा जाएगा। तो कुछ हमारे भक्तगण हैं, उनका कहना है कि यहाँ नगर निगम की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, जिसमें सुलभ शौचालय है, पीने का पानी है, खारा पानी है, तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए। ये बाहर से भक्तजन आते हैं, उनके पीने खाने की, मतलब खाने की तो नहीं लेकिन पीने जो पानी है, मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए मंदिरों पे। और बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं ओल्ड फरीदाबाद से आई हूँ। ओल्ड फरीदाबाद से आएंगे, तो मतलब पहली बार आई है? पहली बार आए सर। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात को जरूर हम जो नगर निगम तक पहुँचाएंगे। लेडीजों के लिए बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, तो ये हमारे भक्तगणों का कहना है कि यहाँ पर जो सुलभ शौचालय है और पेयजल की जो व्यवस्था है वो नगर निगम को उचित रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का एक महान महान कह सकते हैं, और महान क्यों ना कहें, क्योंकि यहाँ देश 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 विदेशों से भी हमारे भक्तगण आते हैं। तो इसके लिए नगर निगम को, वृंदावन नगर निगम को सोचना चाहिए कि यहाँ उचित व्यवस्था इस तरह की हो। ये आप कीर्तन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा मतलब कब से आए हैं आप यहाँ? आए हैं करीब 12 बजे से। 12 बजे तो मतलब अभी मंदिर घूमने नहीं गए? नहीं, अभी जाएंगे, अभी खुलेगा, खुलने का। इससे पहले मंदिर और जो भी है? नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। वृंदावन में अगर बसने के लिए बोला जाए तो बस जाएंगे? जाएंगे जी। धन्यवाद भैया, ये हमारे सागर जी थे, इन्होंने बताया। ये हमारे भैया है, ये यहाँ पे देखो कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी काफी खुश लग रहे हैं, वृंदावन में आके लग रहा है कि इनकी मतलब जो समस्याएं हैं, जो घबराहट होती है इंसान की, वो खत्म हो चुकी है, काफी मजे में हैं। बाकी भैया का जानते हैं क्या है यहाँ का, उनका अनुभव कैसा रहा? भैया अनुभव अभी आप कह रहे हो समस्या के विषय में, तो यार समस्या तो कुछ होता ही नहीं, आनंद है, क्योंकि ये मौका मिला है, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। राधे राधे। राधे। भैया देखो काफी उत्साहित है। अच्छा आप है कहाँ से प्रॉपर? मैं पापा प्रयागराज प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से? अच्छा पहले आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं दूसरी बार आए हूँ। दूसरी बार आए हैं। यहाँ के बारे में तो जगह जगह इतनी कथाएं फेमस है, इतनी कहावतें इसके बारे में हैं, इसके क्या ही कहने हैं। ये ब्रजभूमि कृष्ण जी की नगरी है, यहाँ पे अक्सर हमेशा इतनी भीड़ रहती है, लोग आते हैं यहाँ पे माथा टेकते हैं, इतनी मान्यताएं हैं, जगह जगह यहाँ पे फेमस है। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, इस भीड़ का कारण क्या ही कारण कहेंगे, इतनी मान्यता है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे आके उनको कितना आनंद मिल रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए किसी से बात करते हैं। जी दीदी आपका नाम? कराची। कहाँ से आई हैं आप? बुलंदशहर से। आज आप पहली बार आई हैं वृंदावन? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा। आज तक आपने कितने मंदिर घूम लिए यहाँ पे? सारे घूम लिए, यही रह रहा है। अच्छा क्या हो? तो आपको सबसे अच्छा मंदिर यहाँ पे कौन सा लगा? यही लगा, प्रेम मंदिर। अब देखेंगे ये। और कौन कौन से मंदिर घूमाए आप? अभी बहुत घूमे आए पीछे बाकी। तो आपको यहाँ के आके कैसा अनुभव लग रहा है? आपके मन को शांति मिली है, घर की सारी टेंशन भूल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाय। हाय। क्या नाम है आपका? सुधांगना। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो आज ही आए हैं? कितने दिन हो गए? नहीं कल आए थे और घूमने आए थे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो कितने मंदिर के दर्शन कर लिए आपने? कर लिए हैं 5-6 मंदिरों के दर्शन कर। तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा? बांके बिहारी का मंदिर भी बहुत अच्छा लगा और उसके बाद प्रेम मंदिर आए हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का? देखने में तो मतलब बहुत खुशी होती है देखकर कि लाइक भगवान के दर्शन मिलते, शांति मिलती है मन को। तो बहुत अच्छा रिलैक्स्ड फील होता है? बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील। दिल्ली की इतनी ट्रैफिक लाइफ से यहाँ आके आपको कैसा लगता है कि दिल्ली से यहीं शिफ्ट हो जाए? हाँ भगवान को देखकर तो लगता है यहीं बस जाए, जैसे जाए ना उधर, पर दिल्ली में भी जितना इधर भी उतना ही है, उधर भी मंदिर है इधर भी मंदिर है। तो आपको ओवरऑल अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। जी मैम आपका नाम?
रीना। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। तो आज आपको आए हुए कितने दिन हो गए? आज ही आए हैं, मॉर्निंग में आए थे और इवनिंग तक चले जाएंगे। अच्छा, तो कितने मंदिर घूम लिए आपने? बहुत सारे। पहले फर्स्ट बाकी बिहारी, फिर राधा रमन, फिर गोपीनाथ, फिर वो निधिवन, और अब यहाँ पर आए हैं और इसके बाद इस्कॉन जाएंगे। तो आपको सबसे अच्छा है कौन सी जगह जाके लगा? सबसे अच्छा तो बाके बिहारी लगा, बट वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैनेजमेंट नहीं था, और मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, वरना बहुत अच्छा मंदिर है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और क्या मैनेजमेंट्स आप चाहती हैं जो आपको लगता है यहाँ सुविधाएं हैं, अगर ये थोड़ी सी और सिस्टम में हो जाए तो यहाँ पे सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस जो ये कहलाई जाती है, यहाँ पे आने में और अच्छा लगेगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। लोग मैनेजमेंट बढ़ा देना चाहिए, जिससे बूढ़े, ज़्यादा बड़े बूढ़ों को और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सहूलियत हो, और यहाँ के टिकट कर देनी चाहिए जिससे इन्हें अर्निंग हो और फंड आए, और फंड से गरीब लोगों का भला हो सके, तो ये भी करना चाहिए इन्हें। बहुत बहुत सही आपने सुझाव दिया है साचन को, थैंक यू सो मच। सुना है यहाँ की हवा में कोई अलग बात है, क्या ये सही है? इसलिए तो लाया हूँ वाइफ को। तो आपको यहाँ के कैसा, एकदम रिलैक्स्ड फील हो रहा है या क्या है? बिल्कुल। तो आप यहाँ आते रहेंगे या आपका ऐसा मन नहीं करता मेरठ छोड़ के अब यहीं बस जाएं, यहाँ की भक्ति में लीन हो जाएं? नहीं, मेरठ तो मेरठ है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।